गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। दोस्तों ज़ेरे नज़र वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जब अपने दुश्मन की कब्र के पास से गुजरा तो आग बगूला हो गया। अपने दुश्मन की कब्र को खोदा, उसके ताबूत को खोला और अंदर देखा कि वो खाक हो चुका है। जब उसके चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ भी मौजूद नहीं था मां सिवाय हड्डियों के, सारा गोश्त गल सड़ गया था। कोई एक भी ऐसी चीज जिंदा ना बची जिससे वो मजीद इंतकाम ले सकता। लेकिन जब उसने उसके चेहरे को देखा, उसके जिस्म को देखा और उसके फानी इस ताबूत के अंदर मौजूद गले सड़े जिस्म को देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि चाहे नफरत हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, ताकत हो, कुछ भी हो, सब कुछ फानी है, सब यहीं पर रह जाने वाला है। साथ जाने वाली सिर्फ एक चीज है, नेक अमाल। दोस्तों नहीं पता कि कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस है, किस लम्हे हम इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे। हमारी सेहत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी, हमारा जिस्म बूढ़ा होता जाएगा, हमारी आंखें मजीद कमजोर होती जाएंगी, हमारे हाथ और पैरों से जान खत्म होती जाएगी। फिर एक दिन आएगा जब निदा देने वाला सदा देगा और फिर उसके बाद इज़राइल आएगा, जान कब्ज करेगा। उस वक्त कलमाए तैयबा का सहारा मांगिए, दुआ मांगिए कि हम उस वक्त कलमाए तैयबा पढ़ते हों और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हम जिस वक्त हाजिर हों तो हमारे नामा आमाल में नेकियां ज्यादा और गुनाह कम हों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें मुआफ़ करे। दोस्तों कुछ लोग तो इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि मौत हकीकत है, उन लोगों से ये गुजारिश है कि यकीन जानिए, अगर हम लोग खुदा पर या मौत पर या किसी ऐसी चीज़ पर ईमान नहीं लाते तो मुझे बताइए कि क्या उसकी हकीकत ख़त्म हो जाएगी? क्या बरोज़ क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होना पड़ा तो ये जो आपकी आज की परसेप्शंस हैं इनसे आप क्या करेंगे? अगर 50-50% चांस भी दें तो जब वो सामने आया तो क्या करेंगे? इसलिए आखिरत की तैयारी बहुत ज़रूरी है।